हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फनटेक बूम पर। तो यार दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि मतलब इस लैपटॉप में या इस पीसी में यूएसबी 2.0 का पोर्ट है या यूएसबी 3.1, यूएसबी 3.0, यूएसबी 3.2, 2.0, ये सब होते क्या हैं? आपके दिमाग में भी कभी आया होगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हो ये सब क्या होता है, यूएसबी 2.0, 3.0, 3.1, 3.2, क्या इनमें सिर्फ स्पीड का फ़र्क आता है या और भी कुछ कुछ फ़र्क है, तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सब के बारे में बताऊंगा, ये कब कब आए और इन सब में क्या क्या फर्क है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, इससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टेक वीडियो। पहले बात कर लेते हैं यूएसबी पोर्ट लगते कहां कहां। यार आपको हर जगह यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाते होंगे, चाहे आपका लैपटॉप हो, पीसी हो, पावर बैंक हो, या फिर मतलब आपके मोबाइल का चार्जर हो, चार्जर का जो एडेप्टर होता है वो हो, और भी काफी सारी जगह आपको यूएसबी पोर्ट देखने को मिलते हैं, पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, इन सब का यूज होता है। और यूएसबी का मतलब यूज क्या होता है, यूएसबी पोर्ट दो यूज होते हैं मेनली, इसके मतलब आउटपुट देना, इसका पावर आउटपुट देना, और दूसरा यूज जो होता है इसको मतलब डाटा ट्रांसफर करना। डाटा ट्रांसफर करना जैसे मतलब आप अगर डाटा केबल से अपने फोन से या हार्ड डिस्क से लैपटॉप में, पीसी में डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर पेन ड्राइव से, हार्ड डिस्क से, ये सब डाटा ट्रांसफर कहते हैं। और जो पावर आउटपुट कह रहा हूं मतलब ये चार्जिंग करने के भी काम आ जाते हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल के एडेप्टर से चार्ज कर रहे हो अपने फोन को, पावर बैंक से चार्ज कर रहे हो, या फिर कुछ भी चीज चार्ज कर रहे हो, फोन को ही नहीं किसी भी चीज को यूएसबी के थ्रू चार्ज कर रहे हो, मतलब यूएसबी वाले अडेप्टर के थ्रू। तो ये दो चीजों में मतलब मेनली यूज आते हैं कि यार पावर आउटपुट देना और डाटा ट्रांसफर करना। अब मेनली ये चार तरीके के यूएसबी पोर्ट होते हैं। यूएसबी 2.0 जो कि इन्वेंट हुआ था 1996 में, सबसे पहले 1996 में यूएसबी 2.0 आया था, उसके बाद लॉन्च हुआ था यार 2008 में यूएसबी 3.0, जिसको थोड़ा अपग्रेड करके बाद में नाम रख दिया गया था यूएसबी 3.1 जनरेशन 1। इसके बाद यार 2008 के बाद 2013 में आया था यूएसबी 3.1 का जनरेशन 2। उसके बाद जो लास्ट आया वो आया 2017 में यूएसबी 3.2। और यार ये सब मतलब इन साल पे ये लॉन्च हुए थे, मतलब लॉन्च कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो कि इन्वेंट हुए थे। ये चार यूएसबी पोर्ट हैं, जो चार तरीके के यूएसबी पोर्ट हैं। अब बात कर लेते हैं इन चारों में फर्क क्या है। तो ये सारे मतलब अपग्रेड होते गए थे 1996 के बाद, 2008, 2013, 2017 इनकी पावर जो आउटपुट था इनके वाट में भी अपग्रेड किया गया था और इनकी स्पीड में भी अपग्रेड किया गया था, जो मतलब डाटा ट्रांसफर की स्पीड होती है। तो सबसे पहले स्पीड की बात कर लेता हूं। जो यूएसबी 2.0 था उसकी स्पीड थी करीब मतलब 60 एमबीपीएस की स्पीड से वो डाटा ट्रांसफर करता था, और जब 2008 में यूएसबी 3.0 आया ना तो इसके मतलब करीब 10 गुना इसकी स्पीड बढ़ा दी गई, जो कि थी 625 एमबीपीएस। जी हाँ, मतलब पहले 60 एमबीपीएस यूएसबी 2.0 में, और यूएसबी 3.0 जो यूएसबी 3.1 का जनरेशन 1 भी कह सकते हो थोड़ा अपग्रेड करके, उसकी स्पीड रख दी गई थी करीब 625 एमबीपीएस। उसके बाद जो यूएसबी 3.1 जनरेशन 2 आया उसकी स्पीड को डबल कर दिया गया था, मतलब 1250 एमबीपीएस उसकी स्पीड रख दी गई थी। और जो 2017 में आया यूएसबी 3.2 उसकी स्पीड को और डबल कर दिया गया था USB 3.1 जनरेशन 2 से, मतलब कर दी गई थी 2500 एमबीपीएस, 2500 एमबीपीएस। हालांकि ये सारी स्पीड जो है आपको बिल्कुल सेम स्पीड देखने को नहीं मिलती है, मेरे हिसाब से इसमें बिट्स और बाइट्स का फर्क होता है। मैं पहले अपने मतलब वाईफाई वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि बिट्स और बाइट्स क्या होता है। बिट्स मतलब बाइट्स को आप 8 से डिवाइड कर दो तो बिट्स की स्पीड देखने को मिलती है, जैसे कि जियो कहता है कि हम 100 मेगा बाइट्स की, मेगा बिट्स की स्पीड देते हैं, तो उसको आप 8 से डिवाइड करोगे ना उतनी डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड आती है। तो यही बिट्स और बाइट्स में फर्क होता है। तो यार ये जितनी भी स्पीड है ना, मेरे हिसाब से ये बिट्स में है, और बाइट्स में निकालने में थोड़ी कम स्पीड देखने को मिलती है। तो आप देख पा रहे हो कि चारों में कितना फर्क आ गया था, 60 एमबीपीएस, 625 एमबीपीएस, उसके बाद 1250 एमबीपीएस, और उसके बाद 2500 एमबीपीएस। तो देखा आपने कितनी स्पीड का फर्क आ गया, मतलब 60 एमबीपीएस से शुरू होते और 2500 एमबीपीएस तक आ चुके हैं। तो आप जितने भी पीसी में, लैपटॉप में सुनते हो ना यूएसबी 2.0 का पोर्ट और 3.0 का पोर्ट, वो यही होता है कि अगर आप डाटा ट्रांसफर करो तो स्पीड का फर्क आ जाता है। अब बात कर लें इनकी पावर आउटपुट को लेकर, तो पावर आउटपुट में भी काफी अपग्रेड करा गया। जो सबसे पहले यूएसबी 2.0 आता था वो टोटल आउटपुट देता था 2.5 वाट का, मतलब आप समझ सकते हो कितना कम वाट, बस आप पेन ड्राइव वगैरह यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपको आज कोई फोन लेना हो अगर उसमें आपको मिले 2.5 वाट वाला आउटपुट वाला चार्जर, तो वो कितने मतलब पूरा दिन ले जाएगा शायद चार्ज करने में। और उसके बाद जो अपग्रेड आया 2008 में यूएसबी 3.0 का, उसमें आपको टोटल आउटपुट मिलता था 4.5 वाट का, ये भी कम है मैं जानता हूँ। और जो यार मतलब क्या कहते हैं उसमें स्पीड में उसमें फर्क नहीं आता ना, यूएसबी 3.0 और 3.1 जनरेशन 1 जो थोड़ा सा अपग्रेड मैं कह रहा हूँ 2008 में किया गया था, वो यही अपग्रेड किया गया था कि 4.5 वाले आउटपुट को बढ़ा के 3.1 जनरेशन 1 का 7.5 आउटपुट कर दिया गया था, और जो डाटा ट्रांसफर की स्पीड थी वो सेम ही थी। तो थोड़ा सा ये अपग्रेड करा गया था 2008 में जो लॉन्च हुआ था।
इसके बाद यार जो 2013 और 2017 में USB 3.1 जनरेशन 2 और USB 3.2 जो लॉन्च हुए ना, उनके पावर आउटपुट में कोई इतना फर्क नहीं था, इतना क्या बिल्कुल भी फर्क नहीं था, उनके बस डाटा ट्रांसफर वाली स्पीड में फर्क था। तो ये जो दोनों पोर्ट थे ना, ये 100 वॉट तक के आउटपुट को सपोर्ट करते थे, जो आप आज अपने स्मार्टफोन्स में देख पाते हो ना, 30 वॉट का फास्ट चार्जर, 65 वॉट का फास्ट चार्जर, 100 वॉट तक के फास्ट चार्जर को ये सपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ इन्हीं पोर्ट की वजह से पॉसिबल हो पाता है, USB 3.1 जनरेशन 2 और USB 3.2। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा USB 2.0, 3.0, 3.1, 3.2 इस सब में क्या फर्क होता है, और फ्यूचर में भी आगे मतलब और डाउनलोडिंग स्पीड डाटा ट्रांसफर की स्पीड और पावर आउटपुट की स्पीड और बढ़ा दी जाएगी, और भी अलग अलग तरीके के पोर्ट्स आएंगे 3.1 के बाद 3.2, 3.3 या फिर 4.0, बहुत कुछ आने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो यार इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत जाना, और डिस्क्रिप्शन में देखे लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो लेट करी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं मिलूंगा आप जल्दी अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए कीप वॉचिंग फनटेक, बूम।